कुश्ती मार्गीय संप्रदाय में ठाकुर जी की जो सेवा है वह बाल स्वरूप की सेवा है, और बालक को बाहर के मौसम की अनुभूति कराना ही घटा है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हरियाली अमावस्या के दिन ठाकुर जी को हरी घटा में विराजमान कराया गया है, और यह क्रम पूरे श्रावण मास जारी रहेगा। और 25 तारीख को शोषणी घटा का आयोजन होगा, उसके बाद लाल घटा, उसके बाद जो गुलाबी घटा, उसके पश्चात काली घटा और लहरिया घटा और सफ़ेद घटा का आयोजन विभिन्न तिथियों में और विभिन्न नक्षत्र के हिसाब से किया जाएगा। और हरियाली 30 के दिन ठाकुर जी को फल फूलों के हिडोला में विराजमान कराया जाएगा, क्योंकि 30 के दिन ठाकुर जी को हिडोला में विराजने का और झूलन महोत्सव का बहुत ही अच्छा दिन है, इसलिए हरियाली 30 को ठाकुर जी को फल फूलों के हिडोला में विराजमान कराया जाएगा। हम इंदौर से आए हैं MP से, और यहाँ पे मथुरा के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे द्वारकाधीश के मंदिर के बारे में सुना था कि आज हरियाली अमावस्या है, तो उसके बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, तो हम विद फैमिली सब जने आए हुए हैं यहाँ पर और दर्शन करें। आज दर्शन करके कैसा आनंद अनुभव हुआ आपको? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर दर्शन करके। आज हरी घटा जी मंदिर, हाँ आज घटा के दर्शन थे, ये मालूम पड़ा था कि आज हरियाली घटा के दर्शन है, तो सब फैमिली विद हम आए यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और कहाँ कहाँ घूमने गए थे? जमुना घाट पर गए थे, फिर इसके बाद कल गोवर्धन जी और सब जगह जाने का, वृंदावन जाने का प्रोग्राम है, आज यहाँ पर दर्शन करना था। हम इंदौर से आए हैं MP से, आज हमने हरी घटा के दर्शन करने आए थे यहाँ पर। बहुत अच्छे श्रृंगार थे, बहुत अच्छे दर्शन करे हमने यहाँ। हमने वृंदावन के दर्शन अभी करेंगे और गिरिराज की परिक्रमा लगाई है, और यहाँ पे मथुरा में हमने सकुल जन्मभूमि के भी दर्शन करे। ऐसा आनंद का अनुभव हुआ आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बनारस से बहुत अच्छा लगा, हरी घटा को देख के मन प्रसन्न हो गया। आज हम बनारस से आए, हमारा आना सफल हो गया एक तरह से, यहाँ के दर्शन देख के हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं जो मनोकामना हमारी वो पूरी हो जाए, सारी इच्छाएं पूरी हो, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। कुछ दिन रुकेंगे यहाँ की, और घटाएं जो बता रहे हैं सब लोग, सब देख के जाएंगे। ये घटा का जो कार्यक्रम है इस महीने का, सावन मास का, ये काफ़ी ब्रज संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारे ब्रज मथुरा में जो 84 कोस का जो ब्रज है उससे ये जुड़ा हुआ है, और पूरे क्षेत्र में जो ब्रज 84 कोस हैं सभी मंदिरों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये घटाएँ होती हैं और भक्त लोग करते हैं। और मथुरा में चारों पूरे विश्व से आदमी आता है इस द्वारकाधीश दर्शन के लिए और बांके बिहारी दर्शन के लिए। डोल जिला से, और हम लोग ये झूला उत्सव में बहुत मतलब महत्व समझते हैं। अच्छा लगता और बहुत अच्छा लगता हम लोग को, दूसरी बार आए हैं। हम लोग भी 3-4 साल से आते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है मतलब यहाँ आने के लिए, और घूमते हैं, कल जाएंगे वृंदावन जाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगा, हम हर साल आते हैं और भगवान दर्शन दें, बस बहुत अच्छा लगा। हम भगवान की नगरी मथुरा में आए हैं और हमें इतना अच्छा सुअवसर प्रदान मिला है कि हम बार बार आए, हमें भगवान बार बार बुलाएं, और हम भगवान के लिए झूला उत्सव में आए तो हम एक भगवान का भजन गाना चाहते हैं जो हमारे सब साथ गाएंगे। फूलों का झूला सजा छाई घटा घन घोर, फूलों का झूला सजा छाई घटा घन घोर, मनाएंगे हर साल झुलाएंगे कृपा की लगी डोर। जय श्री मन नारायण की करते हैं सब जने सोर, जय श्री मन नारायण जी करते हैं सब जने सोर, सखिया मिले कर झूला झूलाती झूलते हैं ना। Yeah.
हर घर की पहली पसंद शुद्ध वनस्पति तेलों से बनी स्वादिष्ट पौष्टिक नमकीन, जो रखे आपके स्वास्थ्य का ख्याल। बिन्नी नमकीन 5 रुपए के पाउच में भी उपलब्ध है। निर्माता गोयल नमकीन।